हेलो फ्रेंड्स, एमटेक शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हो। वो वीडियो जो लोग जियो यूज़ करते हैं उसी के लिए है। सो यहाँ पर जब आप सब यहाँ पर हम आते हैं कि माय जियो से आप कैसे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इसी के बारे में है। सो यहाँ पर हम माय जियो यूज़ करते हैं, जो लोग माय जियो यूज़ करते हैं उसी के बारे में। सो माय जियो यूज़ करने वाले इस वीडियो को फुल वॉच करें। सो यहाँ पर जब माजियो आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमको हम कुछ जब आप डाटा आपका ख़त्म हो जाते हैं तो यहाँ पर आप कुछ के लिए आपकी क्या करते हैं कि 10 रुपये टॉक टाइम करते हैं, जिससे आपको 1 GB वाउचर मिल जाता है। यहाँ पर आप जब 1 GB वाउचर के लिए, कभी 2 GB वाउचर के लिए आपसे बहुत सारे वाउचर आ जाते हैं। सो हम 2 GB वाउचर के लिए हम 20 रुपये ऐसे करके हम टॉक टाइम करते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब आप टॉक टाइम करते हैं तो आपका कुछ बैलेंस भी दिया जाता है, मेन बैलेंस भी यहाँ पर ऐड हो जाता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेन बैलेंस भी यहाँ पर आ चुका है। सो यहाँ पर मेन बैलेंस भी आ जाता है कि आप 10 रुपये वाउचर 1 GB डाटा के लिए जब आप रिचार्ज करते हैं तो आपको उसके साथ आपको 7 रुपये भी मिल जाता है। सो ऐसे करके आपका जो टॉक टाइम बैलेंस है वो अगर ज़्यादा हो जाए, यानी जो प्लान है या दस जो 149 है या 199 जो प्लान है वो अगर इससे हो जाए ये, तो यहाँ से आप अपना मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि हम मेरे जो बैलेंस है 208 रुपये जो मेरे यहाँ पर बैलेंस ऐड हो चुका है। सो इस बैलेंस को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, सो इसके लिए हम यहाँ पर इससे हम अपना मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर जब आप यहाँ पर आते हैं, आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे रिचार्ज जो ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा वक्त ज़्यादा नहीं है, सो और 2 दिन बाकी है। या एडवांस भी आप रिचार्ज भी कर सकते हैं, अगर आपका रिचार्ज अभी बाकी है, प्लान अभी बाकी है, एक्सपायर नहीं है, तो तब भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिचार्ज जो रिचार्ज ऑप्शन है, सो यहाँ पर आप क्लिक करें। अगर आपका प्लान ख़त्म नहीं हुआ तब भी आप रिचार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये पेंडिंग में जाएगा। जो प्लान आपका है वो जब ख़त्म हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक वहाँ से एक्टिव हो जाएगा। सो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ प्लान यहाँ पर दे चुका है कि आप कौन सा रिचार्ज करने वाला है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 1 GB डाटा है सो मैं यही करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा वाउचर है, सो मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर आप देख रहे 149 जो वाउचर है कि प्लान है जो 240 डेज के लिए है, सो यही मैं एक्टिव करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं बाय ऑप्शन जो है यहाँ पर हम क्लिक करने वाले हैं। क्लिक करने के बाद जो आखिरी प्रोसेस है यही जो कि यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ से बैलेंस, उस बैलेंस को जो आपका टॉक टाइम बैलेंस है उस बैलेंस को कैसे आप यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद जब आपका बैलेंस है यहाँ पर आप देख रहे हैं यूज़ योर अकाउंट बैलेंस, सो आपका जो टॉक टाइम बैलेंस है उससे आप यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देना होगा। सो यहाँ पर हमें क्लिक ऑटोमेटिक हो चुका है, सो यहाँ पर क्लिक हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप UPI से यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अगर आप पेटीएम से देना चाहते हैं तो पेटीएम से दे सकते हैं, गूगल पे से दे सकते हैं, अमेजन से दे सकते हैं और फ़ोनपे पे दे सकते हैं। फिलहाल मैं यही करूँगा कि मेरा जो टॉक टाइम बैलेंस है यही से हम पे करने वाले हैं, यही पे से हम रिसर्च करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूज़ योर अकाउंट बैलेंस जो 280 रुपये है यहाँ से हम 149 जो यहाँ पर पे करने वाले हैं पे। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पे नाउ, यहाँ पर हम पे जब ही करेंगे तो आपका जो टॉक टाइम बैलेंस है जो मेरा टॉक टाइम बैलेंस है वहाँ से आपको ये कट जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेमेंट सक्सेस, यानी मेरा जो 149 जो प्लान है वो सक्सेस हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिचार्ज हो चुका है, या मेरे फिलहाल अभी जो प्लान है मेरे वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो कुछ दिन बाद बाकी है। सो यहाँ पर हम उसको दिखा रहे कि अपकमिंग हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख रहे कि 199 जो प्लान था वो अभी तक ख़त्म नहीं हो चुका है, लेकिन मेरा जो यहाँ पर आप देख रहे कि मैं फ़िलहाल जो 149 जो मैंने रिसर्च किया, यहाँ पर आप देख रहे कि ये अपकमिंग प्लान्स हैं, सो ये अपकमिंग है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से ये जो एक्टिव ऑप्शन है सो यहाँ से आप एक्टिव भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। सो यहाँ पर आप देख रहे कि मेरा जो 1499 जो प्लान था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और कुछ दिन बाकी है। सो ऐसे करके आप माय जियो बैलेंस में जो टॉक टाइम है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। सो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, क्योंकि उसका जो टॉक टाइम बैलेंस है वो बेकार यूज जाए ना हो, उसको यूज़ आप कर सकते हैं। थैंक यू।